गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। मैं सोता हूँ ना, हाँ उसमें लगता है कोई दबा रहा है। जब आप सोते हो हाँ, तो कोई आपको दबा रहा है, गला दबा रहा है। हाँ सीना, ये सीना छाती दबाता है। हाँ, गला भी देती, गला भी दबाता। हाँ, कौन दबाता है? होता कोई नहीं देता हूँ। तो आपको सोने के बाद कैसे पता चलता है कोई दबा रहा है? मैं उठता हूँ, उठने नहीं देता वो मुझे। हैं? मैं उठना चाहता हूँ ना, तो उठने नहीं देता वो। अरे तो आलसी हो एक नंबर के। ये आलस्य है, ये कोई भ्रांति नहीं है, भ्रांति ना पाल लेना, नहीं भय का भूत बना के बिठा लो। नहीं दबा देता मुझे। कौन दबाता है? नजर देता ही नहीं है। अरे भाई तो वास्ता कुछ डैमेज हुआ? हाथ दबाया था एक बार। टूटा हाथ? नहीं टूट रहा है, मतलब कोई नहीं दबा रहा है। सब ठीक ठाक है ना? नहीं छाती? अरे हमें डरा देता ना। आपको डरा देता कोई? हाँ। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो? जी। सुनाओ हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े आगे बोलो। आते जय हनुमान। अभी तो बोल रहे थे पढ़ता हूँ, अब बोल रहे नहीं पढ़ते। जब हनुमान चालीसा नहीं पढ़ोगे तो कोई तो दबाएगा, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ो। जी। जब हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो क्या होगा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। तो ये जो भूत पिशाच हैं, ये नकारात्मकता को ही भूत पिशाच कहा गया है, निगेटिविटी को। तो जब आप सोते हो ना बेटा, अच्छा ये बताओ जी, आप खाने के बाद कुछ पानी वानी थोड़ा बहुत पीते हो? कुछ नहीं। तो झूठे मुंह सो जाते हो तो कोई दबाए गई? थोड़ा झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए, पता है ना? तो बिस्तर में बैठ के खाना चाहिए, ना तो झूठे मुंह सोना चाहिए, ठीक है? आप झूठे मुंह सोते होंगे और बिस्तर पे बैठ के खाते होंगे? नहीं नहीं। क्या नहीं? नहीं खाना नहीं खाते। खाना खाते ही नहीं? खाते हैं, बिस्तर पे खाते हैं। बिस्तर में खाते हो? नहीं बैठ के नीचे। बैठ के नीचे खाते हो? हाँ। और खाने के बाद पानी नहीं पीते? पानी पीते हैं। अभी तो कह रहे थे नहीं पीता। सोने के बाद नहीं है? सोने के बाद नहीं पीते। सोने के बाद कौन पीता है यार पानी? सोने के बाद कौन पानी पीता है? तुम भूत प्रेत तो नहीं हो? नहीं तुम ही भूत हो। सोने के बाद कौन पानी पीता है? आप पीते हो सोने के बाद पानी? क्यों? खाने के बाद ना। अच्छा खाने के बाद झूठा मुंह नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, फिर थोड़ा चल फिर के हनुमान चालीसा पढ़ा करो, और सोने के पहले श्रीमन नारायण बोला करो। अरे सुन लो। हाँ जी। सोने के पहले क्या बोलोगे आप बताइए? अरे सोने के पहले श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण क्या बोलोगे? श्रीमन बोलो। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अच्छे से बोलो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अरे तुम तुतला हो क्या? तोतले हो क्या? नहीं। अच्छे से बोलो शुद्ध श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। बोलो श्री, श्री मन, मन नारायण, नारायण, नारायण। जी बोलो भैया नारायण, नारायण। बोलो नारायण, ठीक ठीक। अरे तुम नारायण तो बोलो पहले। नहीं बोल मिलेगा सर जी। हैं? नहीं बोल मिलेगा। क्या बोल रहे हो जी? नहीं बोला जा रहा है? नहीं। अरे भैया फिर तो नर्क जाना पड़ेगा, नहीं बोला जा रहा है तो। बोल नहीं मिलता ना। तभी ये तुम्हारी छाती कोई दबा रहा है, तुम नारायण नहीं बोल रहे हो ना, तभी तो। आओ सुनो नारायण बोल रहा, नहीं छाती से उतर के कहीं गले तक ना पहुंच जाए वो। पहुंच जाता हटा देते हैं। हटा देते हो? अब तुम ना हटाओ, तुम नारायण बोलते रहोगे तो भगवान श्रीमन नारायण आपकी रक्षा करेंगे। बोलो श्रीमन नारायण। नहीं बोल मिले ना। काहे नहीं बोलना? बोलो श्रीमन नारायण। नहीं बोल पा रहे हो? नहीं। बोलो सीताराम, 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 सीताराम। यही बोलना सीताराम, सीताराम, सीताराम। देखो कोई नारायण ना बोल पाए इसलिए भगवान को राम बनना पड़ा, कि भाई नारायण नाम कठिन है, सीताराम सरल है, इसलिए सीताराम बन के आ गए। तुम्हारे लिए भगवान नारायण को राम बनना पड़ा ताकि तुम राम बोल पाओ सीधे सीधे। कहाँ तक पढ़े हो? ऐसे छठे एकदम। छठी तक? सातवीं नहीं पढ़े? नहीं। आठवीं नहीं पढ़े? क्यों? बोल नहीं पाते थे चक्कर में ना सही से। अच्छा स्कूल में सर हंसी बनाते थे मेरी। नहीं आप तो अच्छा बोल रहे हो, लेकिन बेटा पढ़ाई करना चाहिए, भले नहीं बोल पाते तो जो पढ़ाया जाए, कोई समझे ना समझे, आप तो पढ़ो बेटा, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। पढ़ाई तो छोड़ ली सर। अरे अभी कितनी उम्र है आपकी?
22 साल। कुछ काम धाम करते हो? जी। लेकिन आप तो अच्छा बोल रहे हो। आप थोड़ा सही हो गया, पहले नहीं बोल पाता। लेकिन अभी पढ़ाई कर लो बेटा, कुछ तो पढ़ लो, कुछ पढ़ना, कॉपी किताब पढ़ना आता है ना? पुस्तकें पढ़नी आती हैं? ज़्यादा नहीं आता। हिंदी नहीं पढ़ पाते? हाँसी छोटी मोटी बस। बेटा लेकिन पढ़ना चाहिए, यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कम से कम पुस्तकें पढ़ना सीख लो ना। जी। तो कुछ तो सीख लो बेटा, और कुछ काम करो, कुछ बिजनेस करो, कुछ अपना धंधा पानी कर लो। जॉब करता हूँ। जॉब करते हो, कितना कमाते हो? कमा लेता हूँ 15,000 रुपये। 15? और खुद का काम करोगे तो ज़्यादा कमा पाओगे? करोगे ना? पहला खुद का काम करना, दूसरा आपको पढ़ाई करना। जो काम अपना करते हैं वो होता ही नहीं है। होगा, मेहनत लगती है खुद के काम में, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, ध्यान रखना। जो सोचते हैं वो बेकार हो जाता है। होगा, सब अच्छा हो, पहले तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। कितने भाई हो? कितने भाई हो? चार भाई। चार भाई हो जी। छोटे हो आप बड़े हो? छोटे। आप छोटे हो? ये छोटा और है। ठीक है, तो आपको पढ़ाई करनी है पहले, ठीक है जी? पढ़ोगे ना? पढ़ाई तो छोड़ ली 8 साल पहले ही मैंने। अरे तो फिर पकड़ लो ना। कसम खा ली थी ना मैंने। क्यों? पढ़ना नहीं है। कसम काहे की खा ली? हाँ। कि नहीं पढ़ूंगा? नहीं। तब ये तुम्हारी छाती को ही दबा रहा है, तुम उल्टी सीधी कसमें खाते हो ना जी। सुनो, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, छोड़ो आप तो पढ़ाई करो बिंदास। किससे कसम खाई थी? अपने आप से। तोड़ दो कसम, शंकर जी की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। अब बता। ठीक है राधे राधे। क्या राधे राधे? पढ़ाई करोगे कि नहीं बताओ? नहीं अब पढ़ाई नहीं करना। अरे यार पढ़ लो थोड़ा सा, थोड़ा पढ़ लो, काम आएगा बेटा तुम्हारे। वो बात ठीक है आपकी। तो कौन सी बात गलत है हमारी? सब बात आपकी अच्छी लगती है। तो फिर क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो जी? मानो पढ़ाई करोगे ना। आवे भजन सुना दो बस। भजन सुना देंगे, पहले ये बताओ अपना नाम लिख लेते हो? जी। हमारा नाम लिखो, कैसे लिखोगे बोलो, हिंदी अनिरुद्धाचार्य कैसे लिखेंगे? कौन सी मात्र लगेगी आगे? नीकी। काय में नीकी लगेगी? नाम है। हाँ, फिर आगे क्या आएगा? अनि सा। सा यार अनिरुद्धाचार्य को अनीस बनाओगे क्या जी? अनि आगे क्या आएगा? रू। रू फिर क्या आएगा जी? बोलो। धा। धा की दा का है? का बेटा तुम्हें पढ़ना चाहिए जी। बिल्कुल ही उल्टी सीधी कसमें तोड़ दो अपनी और मन लगा के पढ़ो जी। आज के युग में यदि आपको पढ़ना नहीं आता तो फिर आपकी कीमत कम हो जाएगी बेटा। जिसकी जो जितना पढ़ता है उसकी उतनी कीमत होती है। तो अपनी कीमत बढ़ाना है तो पढ़ाई करो, और कीमत घटाना है तो पढ़ाई मत पढ़ो जी। तो आप अपनी कीमत बढ़ाना है कि कम करना है? बढ़ाना है। तो फिर पढ़ो ना, तो मुझे पक्का वादा करो कि तुम पढ़ोगे, तुम अपनी कसम तोड़ दोगे और पढ़ाई करोगे। ठीक है। क्या ठीक है? पढ़ाई करोगे? हाँ। सही, पक्का वादा? पक्का बाबा। पक्का बाबा नहीं, पक्का वादा जी। तो पढ़ोगे ना जी? ठीक है।